श्री अजय गांधी जी को मैं दो लफ्ज कहने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। गणेश जी महाराज, परम पूजनीय डॉक्टर लालत्रय मेहरा जी, मंच पर विराजमान, ऐसा न्यूरोथेरेपी से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, न्यूरोथेरेपी में जितने भी कार्यकर्ता यहाँ इस काम के लिए आए हैं, सबको वंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। दूर दूर से अपना क्लिनिक छोड़ के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। ऐसा न्यूरोथेरेपी जैसे अभी वर्णन कर रहे थे, कितना अलग अलग जगह पे जाके न्यूरोथेरेपी का ट्रेनिंग कहां से मिले, कैसे ट्रेनिंग हो इसका, वो सीखने के लिए यहां कैसे इंद्रजीत जी से जाकर आश्रम में मिले, गुरुजी के आशीर्वाद से वहां जाकर न्यूरोथेरेपी सीखा। और आज कलकत्ता के अंदर बिना दवाई के हर बीमारी का इलाज हो सकता है, ऐसा केवल ट्रेनिंग नहीं दे रहे, पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ऐसे नौजवान और भी खड़े हों इसके लिए भी ऐसा न्यूरोथेरेपी काम कर रही है। मैं सुकमल जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, वो काम कर रहे हैं इसके लिए। ट्रेनिंग के दौरान मैं जहां भी जाता हूं देश भर में, क्योंकि लाजपत राय, हेलो, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे एलएमएनटी आरटीआई कहते हैं, देश भर में सभी राज्य के अंदर न्यूरोथेरेपी के ऐसे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। देश के कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां डिस्ट्रिक्ट वाइज काम शुरू हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं। एलिमेंट्री आरटीआई में सुकमल जी के आने से और बल मिला। बंगाल के पूरे 23 के 23 जिलों में, मुझे उम्मीद है ऊपर दार्जिलिंग से लेकर नीचे 24 परगना तक 23 के 23 जिलों में न्यूरोथेरेपी के सेंटर हों, न्यूरोथेरेपी से सीखे हुए हर जिले में ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट काम करें। अभी तक 17 जिले हैं जिनमें न्यूरोथेरेपी का बंगाल के अंदर अलग अलग सेंटर, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से लोग स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। प्लस टू पास करने के बाद कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स को कर सकता है। 1.5 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स है और 6 मंथ का इंटर्नशिप, ऐसा 1.5 वर्ष का कोर्स करके इस थेरेपी में, 1.5 वर्ष का कोर्स करने के बाद आप अपना क्लिनिक, आप चाहें तो 2-3 साल किसी भी सीनियर के पास रहकर, देश भर के किसी भी कोने में जाकर किसी भी सीनियर के पास जाकर अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और 2-3 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप अपना क्लिनिक खोलें तो एक अच्छे माहिर न्यूरोथेरेपिस्ट जैसा आप बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है
एलिमेंट्री आरटीआई में सुकमल जी के आने के बाद ये जो बचे हुए बाकी जिले हैं बंगाल के, मैं निवेदन करूंगा सुकमल जी से कि ऐसा चिन्हित करके वहां से विद्यार्थी आए, वहां कैंप लगाए जाएं, वहां लोगों को अवेयर किया जाए, ऐसे जिले बंगाल के जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, इस संस्था के माध्यम से हम वहां तक भी पहुंचेंगे, ऐसा आज निवेदन करता हूं। और ऐसी ही आशा है सुकमल जी से कि पूरे के पूरे बंगाल का कोई जिला छूटेगा नहीं जहां न्यूरोथेरेपी का सेंटर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले